सो गाइस यहाँ पर काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए थे दोस्तों, जैसे यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पर हम जाकर यहाँ पर अपना यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो हमारा जो ओपन ही नहीं हो रहा गाइस, यहाँ पर वाइट स्टूडियो ओपन हो रहा है दोस्तों, जिसमें कि हम अपना सब्सक्राइबर बेस देखते हैं गाइस, जो कि हमारा वाइट स्टूडियो ऐप है गाइस, यहाँ पर जिसमें अपना सब्सक्राइबर देखते हैं, एडिट वगैरह करते हैं वीडियोज को, वो हमारा ओपन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे हम क्रिएटर स्टूडियो जो बोलते हैं जिसे, तो वो हमारा ओपन ही नहीं हो रहा गाइस, यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो जो बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम क्रोम ब्राउजर में जाकर दोस्तों, जिसमें भी हम ये सब देखते हैं दोस्तों, हम मतलब कि सब चीज़ मेंशन करते हैं दोस्तों, तो हमारे जो यूट्यूब स्टूडियो वो ओपन ही नहीं हो रहा गाइस, यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखा रहा है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ लोगों का यहाँ पर जैसे कि हम यूट्यूब स्टूडियो में जाते हैं दोस्तों, तो हमारा डायरेक्ट आ जाता है वाई टी स्टूडियो में, जो कि ऐप के जरिए यहाँ पर आता है गाइस, तो आपको करने को होगा दोस्तों यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिससे कि वो यूट्यूब वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे क्रोम ब्राउजर में जाकर दोस्तों, इस यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने अभी अभी चैनल स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो अपने चैनल को कस्टमाइज नहीं कर पा रहा, वेरीफाई नहीं कर पा रहेगा इस यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको करने को दोस्तों, यहाँ पर अपने बाइट स्टूडियो में मतलब कि क्रिएटर स्टूडियो में जाने के लिए दोस्तों, यहाँ पर आपको करने को दोस्तों, तो सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पर मैं आपको ठीक से समझा देता हूँ दोस्तों यहाँ पर, कि आपको क्या क्या करना होगा दोस्तों, जिससे कि आप अपना यहाँ पर YouTube स्टूडियो ओपन कर सके और अपने चैनल को कस्टमाइज कर सके, अपने वीडियो अपलोड कर सके दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर वीडियो कर लेते हैं फटाफट से स्टार्ट। सो गाइस जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैं एक ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, जो कि क्रोम ब्राउजर को गाइस। तो क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब स्टूडियो, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है गाइस यहाँ पर, तो ये सब प्रॉब्लम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको डेस्कटॉप मोड में चला जाता हूँ दोस्तों, डेस्कटॉप मोड में भी जाने के बाद यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको करने क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं आपको बता ही देता हूँ दोस्तों यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा यहाँ पर स्टूडियो youtube.com, यहाँ पर आपको ये लिखना होगा दोस्तों यूट्यूब मतलब स्टूडियो youtube.com गाइस। ये लिखने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि स्टूडियो यूट्यूब गाइस, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जूम करके मैंने दिखा दिया, तो स्टूडियो यूट्यूब वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा आपको यहाँ पर, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर अपने उसमें पहुँच जाएंगे दोस्तों यहाँ पर अपने क्रिएटर स्टूडियो में गाइस, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडियो में, यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो में पहुंच चुके हैं दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं थोड़ा नेट स्लो है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने यूट्यूब स्टूडियो में पहुंचना होगा दोस्तों, जो कि देख सकते हैं यहाँ से अपना सारा कुछ चेकअप कर सकते हैं दोस्तों, आपके चैनल किस तरह से यहाँ पर मेंबरशिप वगैरह और एनालिटिक्स यहाँ पर सेटिंग वगैरह ये सब चीज कर सकते हैं यहाँ सर। और यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर अपनी वीडियो यहीं से अपलोड करते हैं गाइस यहाँ पर, मतलब कि यूट्यूब स्टूडियो में जाकर गाइस, तो यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर अपनी वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहीं से सारा कुछ। तो दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोगों के यही कमेंट आ रहे थे दोस्तों, का हमारे यूट्यूब स्टूडियो जो ओपन ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, ओपन ही नहीं हो रहा, तो कुछ जो हमारा ऐप है दोस्तों यहाँ पर, जो कि वाई टी स्टूडियो ऐप है, वो यहाँ पर डायरेक्टली ओपन हो रहा है, हम क्रोम ब्राउज़र से ओपन कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे लोगों की यही प्रॉब्लम थी दोस्तों, जो कि मैंने आपको बता दिया दोस्तों, आपको जाना होगा डायरेक्टली यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउजर पर, और क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना होगा यहाँ पर स्टूडियो youtube.com। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ गाइस यहाँ पर ठीक तरीके से, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने स्टूडियो youtube.com, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि स्टूडियो यूट्यूब लिखने के बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पर अपने स्टूडियो में चले जाना है गाइस, यहाँ पर उस अपने चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं, थंबनेल वगैरह सारा कुछ यहीं से हैंडल कर सकते हैं गाइस। तो चलिए छोटी सी वीडियो थी, अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक कर देना फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।